जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 11098 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर आपको इसलिए आना है ताकि अगर आपने एलिजिबिलिटी की जानकारी नहीं जानी तो आप यहां से जान लें कि आपकी 11098 पोस्ट निकाली गई है, कौन सी कैटेगरी को क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो आप देख सकते हैं, सैलरी क्या आपको पे करनी होगी और फॉर्म आप लोग 11 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो आप यहां पर आपका नाम सबसे पहले एंटर कीजिए और ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये एंटर करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे नीचे कि आपको आपका जेंडर पूछा है, तो अभी जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर वही आपको यहां पर टिक कर देना है। डोमोसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के निवासी है, अगर हां तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नहीं है तो फिर आपको यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, चाहे आप बिहार के अलावा किसी भी स्टेट से हैं आपको जनरल में रखा जाएगा। तो आप यहां पर अगर बिहार से हैं तो फिर अब यस कीजिए और जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी रियल वो कास्ट कैटेगरी आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहां पर आपसे पूछे कि क्या आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर आप करते हैं आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है तो आप यहां पर यस नो में आंसर कर पाएंगे। इसी तरीके से यहां पर पूछे कि डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, ये ऑप्शन उनके सामने एक्टिव होगा जो कि यहां पर ईबीसी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं या फिर जो कैंडिडेट ईबीसी कैटेगरी से है। इसके बाद क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है तो आपको बताना है कि आपका डिसेबिलिटी का नेचर क्या है, परमानेंट या फिर टेम्पररी, और साथ ही बताना होगा कि आपकी परसेंटेज 40% या उससे ज़्यादा है। फिर आपसे सवाल पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज पूछे कि वर्किंग एज कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लॉई इन बिहार गवर्नमेंट, अगर आप बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है या कर रहे हैं तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद अगला सवाल है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की हो, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। फिर पूछा है कि इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है, यानी कि जो आपका इंटर लेवल ये फॉर्म आप भर रहे हैं या फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम, तो जो भी भर रहे हैं अगर पहली बार भर रहे हैं तो आप यहां पर फर्स्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपका ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां से आपको मंथ सेलेक्ट करना है एंड देन डे, देन गाइज आपको यहां पर आपकी उम्र देखने को मिल जाएगी कि 1/8/2023 तक कितने महीने, कितने साल और कितने दिन की होती है। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने यहां पर जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने प्रीव्यू के रूप में है। प्रीव्यू यानी कि आप यहां पर एक बार फिर से इन सभी जानकारी को चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट करें, नहीं तो आप यहां पर पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में कंफर्म एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दे। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो एक पासवर्ड है वो आपके डिस्प्ले के ऊपर दिया है। अभी आपको यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आप यहां पर डालिए, जो पासवर्ड मिला है वो आप यहां पर डालिए, जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले पर दिया गया वो कैप्चा कोड आप यहां पर भरिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल सबसे पहले दी गई है। तो आपने यहां पर आपका नाम तो भर लिया, अब आपको यहां पर आपका फादर नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, और इसके बाद में आप यहां पर आपकी माता का नाम एंटर करेंगे। देन यहां पर आपसे पूछा है कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र है, क्योंकि आप बिहार से तो आपको निवास प्रमाण पत्र की इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये जो आपका स्थायी प्रमाण पत्र है कब जारी हुआ है वो डेट आप यहां
यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इश्यू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र की संख्या आपको यहाँ पर डालनी है, जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगी। फिर अगला सवाल यहाँ पर आता है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार, तो किसके द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, CO, RO, SDO, DM या फिर अदर। तो इनमें से जिस भी अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है पोस्ट, तो आप उस पोस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका पोस्ट इसमें नहीं है तो अदर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, अगर इन्हीं में है तो आप यहाँ पर उसकी पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आती है आपकी कैटेगरी, तो जो भी कैटेगरी है वो आपके सामने यहाँ पर आपकी दी गई है। इसके बाद में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी भी देनी है, तो यहाँ पर EBC, BC, NC, LC सर्टिफिकेट नंबर या फिर SC ST कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। इसके बाद में कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका सर्टिफिकेट किस पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है बाकी की। फिर सवाल पूछा कि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सवाल है नेशनलिटी, तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है। आईडी प्रूफ में आप यहां पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आप यहां पर डाल दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, और ये मार्क आपसे इसलिए लिया जाता है ताकि आप अपनी जगह पर किसी कैंडिडेट से एग्जाम न दिलवा दें। अगर आप ऐसा करते तो फिर ये जो मार्क आप यहाँ पर दे रहे हैं उस मार्क की पहचान की जाती है। इसके बाद यहाँ पर सवाल आता है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि UPSC या फिर बोर्ड राज्य आयोग द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है, डिबरेट किया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप यहाँ पर आएंगे और आप देखेंगे कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, विलेज मोहल्ला जो भी है वो आप यहाँ पर डालेंगे, नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको देना है, आपका नज़दीकी जो डाकघर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, स्टेट आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, ये फिर आप इसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी डाल देना है। इस तरफ है परमानेंट एड्रेस और नीचे सेम एज कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहां पर टिक कर दीजिए। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइस यहां पर आपके सामने जो जानकारी आपने भरी वो आ जाएगी। अब आपको पेमेंट प्रोसेस पर आना है, तो आप सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे आएंगे और यहां पर प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको फिर से सब जानकारी चेक करनी है और आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं, ICICI बैंक या फिर SBI, तो कोई भी एक मोड यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन प्रोसीड ऑनलाइन ऐप पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर यहां पर ट्रांसफर कर दिया है, आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहिए कर सकते हैं, तो कोई भी एक माध्यम आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो जमा कीजिए। मैं फीस जमा करने के आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूं। तो गाइज यहां पर हमने पेमेंट कर दिया है, आप देख सकते हैं योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको स्टेप 3 एजुकेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो सबसे पहले आप 10th की इंफॉर्मेशन देंगे। सब्जेक्ट का आपके सामने एक विकल्प है, तो आप इसमें ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देंगे, क्योंकि ये चीज मेनली इस वाले ऑप्शन पर एप्लीकेबल नहीं होती, ये 12th या फिर हायर क्वालिफिकेशन पर एप्लीकेबल होती है। तो आप यहां पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिए। अगर कुछ अलग सब्जेक्ट है तो आप चाहे तो एक एक करके सब्जेक्ट भी यहां पर दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको बताना कि कहां से आपने किया, बेसिकली आपको आपका बोर्ड का नाम या फिर विश्वविद्यालय का नाम देना है। मैं आपको प्रिफेयर कर रहा हूं कि आप यहां पर आपके बोर्ड का नाम दे दें। वैसे तो जैसे कि मैंने कहा कि आप यहां पर आपके विश्वविद्यालय संस्थान यानी कि कहां से किया उसका नाम भी दे सकते हैं। फिर आते टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने थे वो आप यहां पर डालिए, सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के डाल लें, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर डाल दीजिएगा, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो मार्कशीट नंबर है वो आप यहां पर डालिए। इसके बाद में सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप यहां पर आइए और जो आपका डेट है पहले ईयर का वो सेलेक्ट कीजिए, फिर यहां से आपका जो मंथ है वो एंड देन फिर यहां से डे। देन गाइज आप यहां पर 12वीं की इंफॉर्मेशन भरेंगे, तो आपने यहां पर 12वीं साइंस कॉमर्स आर्ट्स या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा या फिर कोई अदर है, तो जो भी क्वालिफिकेशन है वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर जैसे कि यहां पर आपने 12th साइंस सेलेक्ट कर लिया है, तो सब्जेक्ट में आप यहां पर बता सकते हैं PCM, PCB, आर्ट्स कॉमर्स किससे आपने की है। और इसके बाद में यहां पर आपको आपके बोर्ड का नाम एंटर करना है या फिर आपके स्कूल कॉलेज का नाम भी दे सकते हैं। फिर आपको टोटल मार्क्स यहां पर एंटर करने हैं, एंड देन कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर एंटर करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी, आपका सर्टिफिकेट नंबर आप यहां पर डालेंगे, एंड देन कब आपने ये जो क्वालिफिकेशन वो पास की है वो भी आप यहां पर सेम तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहां से डे।
देन गाइज नीचे आती है टेक्निकल स्किल, तो यहाँ पर स्किल में अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आप बताइए नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि कहाँ से आपने ये जो टाइपिंग है वो की है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, सर्टिफिकेट इश्यू डेट क्या है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे आता है इंग्लिश टाइपिंग, अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आती है तो उसकी जानकारी भी ऐसे ही भर सकते हैं जैसे कि अभी आपने हिंदी टाइपिंग की भरी है। फिर आता हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने पर आप यहां पर जानकारी नहीं भरेंगे, अगर आपने किया है तो यस कीजिए। फिर यहां पर कोर्स डिटेल में आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहां से आपने किया है, कोर्स डिटेल में आप बताएंगे कि कौन से कोर्स आपने किया है, सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या है वो आप यहां पर डाल देंगे और सर्टिफिकेट इश्यू डेट भी आप यहां पर दे देंगे। फिर आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आता है फोटो एंड सिग्नेचर, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर जो आपका फोटो है उसका जो फॉर्मेट है वो आपका जेपीजी का रखा है, साइज 20 से 50 केबी के बीच में, और आपका फोटो एक महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एंड पिक्सल की अगर बात करें तो 200 पिक्सल वाइड और 230 पिक्सल हाइट आपके फोटो की होनी चाहिए। तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां पर भी आपका फोटो फाइल है, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आप सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर आपको यहां पर बोला है कि अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर फाइल फॉर्मेट जेपीजी एंड साइज 10 से 20 केबी, तो आपको इंग्लिश वाला सिग्नेचर यहां पर अपलोड करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहां पर भी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन फिर आप यहां से इसको ओपन कर देंगे, ओपन करने के बाद में यहां पर आपको हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड करना है, तो इसका भी जो फाइल है और जो साइज है वो सेम रखा है तो आप इसको भी सेलेक्ट कीजिएगा। एंड देन फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे फोटो एंड साइन भी अपलोड हो चुका है। अब आपको बोला स्टेप 5 अपलोड लाइव फोटो, तो आप अपलोड लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में बोला यूज योर कैमरा, तो आप यहां पर इसको अलाउ कर दीजिए, और अलाउ करने के बाद में आप यहां पर जो आपका फोटो है वो ले पाएंगे। आप अपलोड लाइव फोटो के ऊपर एक बार फिर से क्लिक कीजिएगा, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका लाइव फोटो है वो आपको यहां पर क्लिक करना है। आप यहां पर देख सकते हैं आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा, तो आप यहां पर इसको टेक फोटो कर दीजिए। टेक फोटो करने के बाद में आपका फोटो यहां पर आ जाएगा, और फिर आप इसको नीचे आइए डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए, पहले इसमें कहां से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम आपको यहां पर एंटर करना है। एंड देन ये जानकारी चेक करने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप देखेंगे आपका फोटो भी लाइव यहां पर जा चुका है। अब आप यहां पर स्टेप 6 एप्लीकेशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपको बोला री अपलोड लाइव फोटो, अगर आप री अपलोड करना चाहते तो आप इसको कर सकते, नहीं तो आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आप प्रिंट पेमेंट स्लिप कर सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप कर सकते हैं, और लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो आप यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो यहां पर सेव कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रिंटर अभी मौजूद नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा, और पेमेंट की स्लिप भी ले लीजिएगा ताकि आपको कहीं पर अगर काम की जरूरत पड़े कोई भी जानकारी की तो आपके पास वो हो। तो ये सब आप यहां पर इस तरह से अपनी जानकारी कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और बस यही थी जानकारी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।